Hey everyone, welcome to Shivam's IAS. I am Shivangi Sharma, and here is the last chapter of our economics series. Economics puri khatam hone wali hai, and this is the last chapter, which is open economy, macroeconomics. Theek hai? So this is last chapter of class 12th as well. So what is a open economy? And open एक open economy वो economy है जो बाहर की कंट्रीज़ के साथ भी इंटरेक्ट करती है, बाहर की कंट्री के साथ, अपार्ट फ्रॉम द कंट्री, अदर कंट्रीज़ के साथ भी वेरियस चैनल्स के थ्रू इंटरेक्ट करती है. ठीक है, सो अभी तक हमने सिर्फ क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर ही पढ़ा, हमने सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर क्या हो रहा है वही पढ़ा, हमने कोई लिंकेज नहीं, कोई लिंक्स नहीं पढ़े कैसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम लोग ट्रेड करते हैं, हमने कुछ नहीं पढ़ा. ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर, अपनी कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर की चीज़ें पढ़ी. ठीक है, तब हम पढ़ने वाले हैं बाहर, कैसे हम अपनी कंट्री से बाहर भी ट्रेड करते हैं. ठीक है, सो जो तीन वे है, जो तीन, देर आर थ्री वेजेस इन विच दीज लिंकेजेज आर एस्टेब्लिश्ड. सो फर्स्ट इज़ द आउटपुट मार्केट. आउटपुट मार्केट वो है कि ऐसी इकॉनमी जिसमें गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड किया जाता है, सिंपल एज डैट. ठीक है, जब हम अपनी कंट्री के अलावा और कंट्री से ट्रेड गुड्स, ट्रेड और सर्विसेज का, मतलब गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड करते हैं, जिसमें होता क्या है कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स को बहुत सारी चॉइसेस मिल जाती हैं. ठीक है, विद इन द डोमेस्टिक एंड फॉरेन गुड्स. ठीक है, सेकेंड इज़ फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट इज मोस्ट ऑफ एन इकॉनमी डैट कैन बाय फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम अदर कंट्री, जिसमें हम खरीद सकते हैं फाइनेंशियल एसेट्स. ओके, सो ये जो है, जो डोमेस्टिक और फॉरेन एसेट्स में काफ़ी इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आ जाती है. नेक्स्ट इज द लेबर मार्केट. लेबर मार्केट इज जिसमें हम लेबर, जो प्रोडक्शन है और जो वर्कर्स है उनको लोकेट करते हैं. यूजुअली काफ़ी लॉज है जिसकी वजह से लेबर को विद इन द कंट्रीज मूवमेंट करना रेस्ट्रिक्टेड है. ठीक है, सो बेसिकली जो दो मेन टू लिंकेजेज है, डैट इज़ आउटपुट एंड फाइनेंशियल मार्केट. ठीक है, दस एन ओपनिंग इकोनॉमी इज सेट टू बी वन ऑफ द ट्रेडर्स विद अदर नेशन इन गुड एंड सर्विसेज एंड मोस्ट ऑफ एन ऑल्सो इन फाइनेंशियल एसेट्स. क्लियर, सिंपल एज दैट. नेक्स्ट इज जो फॉरेन ट्रेड है, उसको जो उसको बेसिकली दो दो डिफरेंट तरीकों से, मतलब जो एग्रीगेट डिमांड है ना, फॉरेन ट्रेड हमारी कंट्री की जो एग्रीगेट डिमांड है उसको दो तरीके से इन्फ्लुएंस करता है. फर्स्ट इज लीकेज एंड सेकेंड इज इंजेशन. लीकेज एंड इंजेशन. वॉट इज़ लीकेज? लीकेज इज काइंड कि हम अपनी कंट्री से जब हम ग्लोबली कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शन आ जाते हैं एज अ कंज्यूमर, तो आप फॉरन गुड्स भी खरीदते हैं. तो जब आप फॉरन गुड्स खरीदते हैं, सो देयर इज़ अ लीकेज ऑफ आर करेंसी और द मनी. ठीक है, हमारी करेंसी का एक लीकेज हो रहा है. ठीक है, जबकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जब हम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, तो फॉरेन, जो फॉरेन करेंसी है वो हमारी इकोनॉमी में आती है. देयर इज, दैट इज़ अ इंजेशन. ओके, सो जब पूरी थ्रू आउट द नेशनल बॉर्डर्स गुड्स मूव करता है, तो मनी का इन्वॉल्वमेंट तो होगा ट्रांजेक्शन के लिए, बट ऐसी कोई सिंगल करेंसी या किसी भी सिंगल बैंक से कोई सिंगल करेंसी नहीं इशू की गई है जो थ्रू आउट द इंटरनेशनल लेवल यूज़ होगी. तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर कंट्री जिस कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है, अपनी करेंसी को उस करेंसी में चेंज कर देती है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देती है. ठीक है, सो अगर हम सिंपली देखें, द करेंसी विल मेंटेन अ स्टेबल परचेजिंग पावर. विदाउट दिस कॉन्फिडेंस अ करेंसी विल नॉट बी एबल टू यूज एन इंटरनेशनल मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, एंड यूनिट ऑफ अकाउंट, सिंस देर इज़ नो इंटरनेशनल अथॉरिटी, द पावर टू फोर्स द यूज़ ऑफ पर्टिकुलर करेंसी इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन. जब तक कोई इंटरनेशनल अथॉरिटी से कोई भी, मतलब कोई पावर नहीं दी जाती है, कोई भी, मतलब उस करेंसी को हम, जब तक एक कंट्री का एक स्टेबल परचेजिंग पावर नहीं है, हम उस कंट्री की करेंसी को एक इंटरनेशनल मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो
पहले के टाइम पे इन द पास्ट गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट ने ट्राई किया था कि वो एक हमारी गवर्नमेंट ने एक कॉन्फिडेंस मिल जाए, ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंस ऑफ पोटेंशियल यूजर्स बाय अनाउंसिंग द नेशनल करेंसी विल बी फ्रीली कन्वर्टेबल। तो शुरू से पहले हमारी कंट्री ने, हमारे जो लोग मतलब हमारे जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने बोला कि कितनी भी करेंसी आप फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपकी फिक्स प्राइस है इसको आप अनदर एसेट में फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो द इशुइंग ऑफ अथॉरिटी विल हैव नो कंट्रोल ओवर, जो भी इशुइंग अथॉरिटी है उसका इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होगा उस एसेट की क्या वैल्यू है, ठीक है, बस वो करेंसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये जो एबिलिटी थी जिसमें हम अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ को हम चेंज कर सकते थे, इसको इसके ना कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स थे जो क्रेडिटेबिलिटी, हमारी जो क्रेडिबिलिटी है ना उसमें इफेक्ट ला रहे थे, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है इसको सेटअप किया गया ताकि ये जो भी इंश्योर है, जो भी इश्यूज है, इनको हैंडल किया जा सके और हमारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जाए, ठीक है। तो द प्राइस ऑफ वन करेंसी, किसी भी कंट्री की करेंसी की क्या प्राइस होगी ये डिटरमाइन करते हैं, मतलब अनदर किसी भी और करेंसी के एस्पेक्ट में हमारी करेंसी का क्या प्राइस होगा, इसको जब हम ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट या फिर एक्सचेंज रेट, ठीक है। सपोज कि एक $1, जो एक डॉलर है उसका क्या रेट है इंडिया में, ठीक है, मतलब हमारे जो रुपी है, हमारे कितने रुपीज़ इक्वल टू द डॉलर और सिंगल डॉलर, दैट इज़ द एक्सचेंज रेट, ओके। बैलेंस ऑफ पेमेंट और BOP, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स सर्विस एंड एसेट्स बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो जो BOP है उसके बेसिकली दो मेन पॉइंट मेन अकाउंट्स होते हैं, डैट इज करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट। लेट्स कम टू द करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है सारे गुड्स और सर्विस और ट्रांसफर पेमेंट्स का, ठीक है। देखो मतलब करंट अकाउंट में बेसिकली हम वो वाला ट्रेड इन जो ट्रेड इन गुड्स होता है वो इंक्लूड करता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। ट्रेड इन सर्विसेज इंक्लूड, जो ट्रेड इन सर्विसेज होती है उसमें क्या क्या आता है, फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनकम ट्रांजेक्शन, और जो ट्रांसफर पेमेंट्स है वो होते हैं रिसिप्ट विच द रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री गेट फ्री विदाउट विदाउट हैविंग प्रोवाइड एनी गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न। सपोज कि आप दिस इज़ इंडिया और आप किसी भी कंट्री में काम करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल सपोज आप दुबई में काम करते हैं, तो आप दुबई से अपनी फैमिली के लिए कुछ भी गुड्स वगैरह भेजते हो, ठीक है, मतलब कुछ भी गुड्स भेजते हो या कुछ भी मतलब करेंसी देते हो अपनी फैमिली में, तो डैट इज़ समथिंग विच यू आर गिविंग फॉर फ्री, उसके बदले में वहाँ से आपके लिए कुछ पैसा तो नहीं आने वाला ना बदले में, यू आर गिविंग इट बिकॉज योर फैमिली इज़ देयर, राइट, योर सिटीजन इज़ देयर, सो उसके बदले में आपको डैट इज़ समथिंग विच इज़ फ्री, आप उसके बदले में कुछ दे नहीं रहे, डैट इज़ समथिंग विच इज़ ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हम जो हमने करंट अकाउंट के अभी कंपोनेंट्स पढ़े उसको एक उसकी तरफ पढ़ लेते हैं। ट्रेड इन गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ट्रेड इन सर्विसेज जिसमें नेट फैक्टर इनकम और नेट नॉन फैक्टर इनकम आता है, नेट फैक्टर इनकम में आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, जबकि जो नेट इनकम नेट नॉन फैक्टर इनकम होता है इसमें आता है शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सेट्रा। ट्रांसफर पेमेंट जिसमें आप गिफ्ट, रेमिटेंस, ग्रांट्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, देखो अगर आपके रिसिप्ट, आप सबसे पहले यहाँ पे देखो जो आपके रिसिप्ट है वो आपके पेमेंट से इक्वल है, डैट इज़ बैलेंस, हमने पहले भी ये चीज़ें पढ़ी है लास्ट चैप्टर में आई गेस, बैलेंस्ड, ठीक है। अगर आपकी जो रिसिप्ट्स हैं, आपके रिसिप्ट्स कम है पेमेंट से, मतलब आपके पास जो आ रहा है वो कम है जो आप दे रहे हो, दैट इज़ अ सिचुएशन ऑफ डिफिसिट, ओके। और अगर आपके आपके रिसिप्ट ज़्यादा है पेमेंट से, देन दिस इज समथिंग सरप्लस, ओके। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट को आगे दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, डैट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल। बैलेंस ऑफ ट्रेड BOT,
इसमें हम देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, मतलब हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं और कितना इम्पोर्ट करते हैं, इसकी वैल्यू का जो डिफरेंस है डैट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड. ओके, सो हेयर हाँ, इसको ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं. इसका भी सिंपल सा फंडा है कि हमारे एक्सपोर्ट्स की वैल्यू, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनकी वैल्यू अगर ज़्यादा है हमारे इम्पोर्ट से, सो दिस इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे क्या होगा, अगर देखो सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड विल अराइज इफ कंट्री एक्सपोर्ट्स मोर देन व्हाट इट इम्पोर्ट्स. अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है तो ऑफकोर्स हमारे पास ज़्यादा बदले में करेंसी आएगी, पैसा जितना बेचोगे उतना ही तो पैसा आएगा. अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा तो इट मींस वी हैव अ सरप्लस ट्रेड. और अगर हमारे इम्पोर्ट ज़्यादा है, देन इट इज़ डेफिसिट. ओके, और अगर दोनों इक्वल है देन इट इज़ बैलेंस. अब देखो उसके बाद आता है नेट इनविजिबल्स. नेट इनविजिबल्स में क्या आता है, इनमें वो चीज़ें आती है जो हम देख नहीं सकते, इन द सेंस इसमें आती हैं इनविजिबल इंक्लूड सर्विसेज, ट्रांसफर्स, फ्लोज ऑफ इनकम एंड टेक्स प्लेस विद इन डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, सर्विस में फैक्टर और नॉन फैक्टर इनकम दोनों आती है. फैक्टर इनकम में क्या क्या आता है, फैक्टर इनकम इंक्लूड्स द नेट इंटरनेशनल अर्निंग्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लेबर, लैंड और कैपिटल. जबकि जो नॉन फैक्टर इनकम है इसमें आती है नेट सेल्स ऑफ सर्विस प्रोडक्ट, जैसे कि शिपिंग, बैंकिंग, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं हमारे सारे ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू आर एसेट्स. ओके, एसेट क्या है, एसेट इज समथिंग विच इज हेल्ड एज अ वेल्थ. किसी भी कंट्री की जो वेल्थ है डैट इज द एसेट, राइट. जैसे कि मनी, स्टॉक, बॉन्ड, गवर्नमेंट डेप एक्सेट्रा, ये क्या है, ये वेल्थ ही तो है. ठीक है, सो परचेज ऑफ एन एसेट इज अ डेबिट आइटम ऑन द कैपिटल अकाउंट. ठीक है, अगर कोई भी इंडियन खरीदता है किसी भी यूके कंपनी की कार, इट एंटर्स द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एज द डेबिट आइटम. ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम अपने इस एसेट्स को बेच रहे हैं, जैसे कि हम अपने किसी भी इंडियन कंपनी के किसी के शेयर को बेच रहे हैं टू अ चाइनीज कस्टमर, इट इज़ अ क्रेडिट आइटम टू द कैपिटल अकाउंट. ठीक है, सो अब फिगर 6.2 क्लासिफाई करता है इन चीज़ों को भी. सो आते हैं हम फिगर 6.2 पे. बिफोर डैट हमें कोई चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि जो कैपिटल अकाउंट, दीज आइटम आर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनको हम FDIs भी बोलते हैं. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स FII, एक्सटर्नल बोरिंग्स एंड असिस्टेंस. सो इधर देखो, जो कैपिटल अकाउंट है इन्वेस्टमेंट्स में आते हैं डायरेक्ट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स. जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है उसमें आते हैं FDI, इक्विटी कैपिटल, री इन्वेस्टमेंट अर्निंग एंड अदर डायरेक्ट कैपिटल फ्लोज. जबकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आते हैं FII, ऑफशोर फंड्स. एक्सटर्नल बोरोइंग्स में आते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और शॉर्ट टर्म डेट्स. ठीक है, एक्सटर्नल असिस्टेंस में आते हैं गवर्नमेंट एड, इंटर गवर्नमेंटल मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल लोन्स. अब हम पढ़ते हैं बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट इज इन बैलेंस व्हेन कैपिटल इनफ्लोज आर इक्वल टू कैपिटल आउटफ्लोज. जब हमारे कैपिटल इनफ्लोज इज इक्वल टू कैपिटल आउटफ्लोज देन समथिंग विच इज बैलेंस्ड. सरप्लस तब होता है जब कैपिटल अकाउंट अराइजेज व्हेन कैपिटल इनफ्लोज आर ग्रेटर देन. देखो सरप्लस कब आता है, जब हमारे जो इनफ्लोज है डैट इज ग्रेटर देन द आउटफ्लोज, और अगर आउटफ्लोज इज ग्रेटर देन द इनफ्लोज देयर इज अ डेफिसिट. ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस एंड डेफिसिट. द एसेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट इज जस्ट लाइक एन इंडिविजुअल. जैसे एक इंडिविजुअल का सिस्टम चलता है वैसे ही इंटरनेशनली भी सिस्टम चलता है. देखो अगर एक कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में है, वो कब होगा, जब हमारे करंट अकाउंट प्लस करंट कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इक्विलिब्रियम. ओके वेट अ मिनट.
ओके सो अल्टरनेटिवली द कंट्री कुड यूज इट्स रिवर्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन ऑर्डर टू बैलेंस एनी डेफिसिट. अगर कोई भी डेफिसिट है तो कंट्री अपनी फॉरेन एक्सचेंज को यूज कर सकती है. ठीक है, द रिजर्व बैंक सेल्स फॉरेन एक्सचेंज व्हेन देयर इज अ डेफिसिट एंड दिस इज कॉल्ड द ऑफिशियल रिजर्व सेल. द डिक्रीज और इंक्रीज इन द आउटपुट रिजर्व इज कॉल्ड द ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट और सरप्लस. अब हम आते हैं ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स में. जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती है वो ऑटोनोमस होती है. कब? जब जो ट्रांजेक्शन है वो किसी रीजन्स के, किसी बेसिक रीजन के लिए किया जाता है, देन टू द ब्रिज अदर देन, अगर जो गैप है, जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट का ग्रैप है उसकी वो नहीं है, वो नहीं होता रीज़न अपार्ट फ्रॉम डैट. ठीक है, वेन दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बी ओ पी, जब बी ओ पी को वो इग्नोर करते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ बी ओ पी. ठीक है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सेट टू बी सरप्लस और डेफिसिट इफ ऑटोनोमस रिसीव्स आर ग्रेटर और लेस देन द ऑटोनोमस पेमेंट्स. ओके, अब आते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन पे, टर्म बिलो द लाइन आइटम्स. ऑन द अदर हैंड, जो बैलेंस ऑफ पे जो डिटरमाइन किया जाता है बाय द गैप ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट इज वेदर देर इज अ डिफिसिट और सरप्लस इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है, अब हम आते हैं एरर्स एंड ओमिशंस पे. देखो, इतनी सारी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को एक्यूरेटली रिकॉर्ड करना कभी कभी टफ हो जाता है, राइट? सो देयर सो इनके हमारे पास होता है एक थर्ड एलिमेंट ऑफ बी ओ पी विच इज कॉल्ड द एरर एंड ओमिशन. ठीक है, जैसे अगर जो टेबल 6.1 है, टेबल 6.1, हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट के इंडिया के वेरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफाइन किया हुआ है. डिफाइन तो क्या मतलब शो किया हुआ है. ठीक है, नाउ नोट इन दिस टेबल देर इज अ ट्रेड डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट बट अ कैपिटल अकाउंट सरप्लस, एज अ रिजल्ट बी ओ पी इज इन बैलेंस. ठीक है, सिंपल एज दैट. द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, देखो सपोज कि हमने अभी तक क्या क्या कंसिडर किया, हमने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग देख ली. ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अज्यूम करो कि आप एक सिंगल इंडियन रेजिडेंट हो और आप चाहते हो, आप लंदन विजिट करना चाहते हो फॉर योर वेकेशंस, तो आपको वहाँ पे कितना पाउंड लगेगा टू स्टे देयर. उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि पाउंड आपको मिलेगा कहाँ से और किस प्राइस में मिलेगा. ठीक है, जैसे हमने शुरू में ही पढ़ा था, दिस इज समथिंग विच इज़ द एक्सचेंज रेट, द मार्केट इन विच नेशनल करेंसीज इज ट्रेडेड. जिस मार्केट में हम नेशनल करेंसी का ट्रेड करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, डैट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का जो मेजर पार्टिसिपेंट होता है वो होते हैं कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, अदर ऑथराइज डीलर्स एंड मॉनेटरी अथॉरिटीज. फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट को फॉरेक्स रेट भी बोलते हैं, जिसमें किसी भी एक करेंसी का दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में क्या प्राइस है, डैट इज़ द फॉरेन एक्सचेंज रेट और द फॉरेक्स रेट. ठीक है, द लिंक ऑफ द करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज अनेबल्स कंपैरिजन ऑफ इंटरनेशनल कॉस्ट एंड प्राइस. इससे हम इंटरनेशनल कॉस्ट और प्राइसेस का भी कंपैरिजन कर सकते हैं. डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, पीपल डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज बिकॉज दे वॉन्ट टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज. ठीक है, वो अब्रॉड से कोई भी गिफ्ट चाहिए उनको, या फिर उसके अलावा उनको फाइनेंशियल एसेट खरीदने किसी भी डिफरेंट कंट्री की. अ राइज इन द प्राइज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द फॉरेन गुड्स. ठीक है, दिस रिड्यूस डिमांड फॉर इम्पोर्ट एंड हेंस डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो डिक्रीजेज, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट. सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई किस बेसिस पे होती है? फॉरेन करेंसी फ्लोज इन टू द होम कंट्री ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. एक्सपोर्ट, कंट्री एक्सपोर्ट करती है. ठीक है, उसके अलावा फॉरेन जो फॉरेनर्स हैं वो गिफ्ट भेजते हैं हमारी कंट्री में या फिर ट्रांसफर्स करते हैं. उसके अलावा हमारी जो होम कंट्री के जो एसेट्स है वो कोई भी फॉरेनर्स खरीद लेते हैं.
अ राइज इन फॉरेन एक्सचेंज विल रिड्यूस द फॉरेनर्स कॉस्ट वेल परचेजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया, अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। दिस इन अगर इससे क्या होता है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं क्योंकि हमारा जो क्योंकि रुपी का जो रेट है वो कंपेरेटिवली कम होता है इज कंपेरेटिवली टू एनी फॉरेन कॉस्ट, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे जो कि लॉन्ग रन में फ़ायदा देगा, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट को हम डिटरमाइन कैसे करते हैं? देखो हाँ, अलग अलग कंट्रीज़ का ना अलग अलग तरीका होता है कंट्री के एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने का, जैसे कि फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड और मैनेज, ठीक है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में बेसिकली क्या होता है जिसमें जो एक्सचेंज रेट जो फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन किया जाता है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। अगर द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज रिजल्ट इन चेंज इन एक्सचेंज रेट, अगर हमारा जो फॉरेन गुड्स और सर्विसेज की जो डिमांड है वो इंक्रीज करता है तो एक्सचेंज रेट में भी डिफरेंस आएगा, ठीक है। देखो अगर इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट एम्प्लाइज डेट द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज़ इंक्रीज, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। देखो समझो कि हमारी इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट एम्प्लाइज कि जो फॉरेन करेंसी है उसका रेट इंक्रीज करता है, मतलब डॉलर का जो रेट है वो रुपीस के टर्म इन टर्म ऑफ रुपी वो इंक्रीज करता है हमारी करेंसी की जो हमारी जो करेंसी है रुपी उसकी जो अमाउंट है वो कंपेरेटिवली कम है, दिस इज डेप्रिसिएशन। जबकि जब हम हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ाते हैं, ठीक है, हमारी करेंसी की जब वैल्यू बढ़ती है डैट इज एप्रिसिएशन, ओके, डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ मनी। अगला आता है स्पेकुलेशन। देखो मनी एक एसेट होता है, ठीक है, किसी भी कंट्री का। सपोज अगर इंडियन को ये लगता है कि जो ब्रिटिश पाउंड है वो आने वाले टाइम पे बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी रिलेटिवली रुपी, तो लोग पाउंड रखेंगे, और इससे क्या होगा, इससे जो है हमारी जो एक्सचेंज रेट है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि सपोज पाउंड का जो रेट है डैट इज 80 रुपीज़, और ऐसा लगता है कि विद इन द एंड ऑफ द मंथ ये 85 हो जाएगा, तो अभी जो लोग हैं वो डीलर से जाके 80,000 रुपीज़ देके 1,000 पाउंड्स ले आएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे एट द मंथ वो 8,500 बन जाएगा, 85,000 बन जाएगा, जिससे 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। और ये जो एक्सपेक्टेशन होती है जिसकी वजह से हम खुद ही अपना फ़ायदा करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज रेट टू इंक्रीज इन द प्रेजेंट मेकिंग द बिलीफ ऑफ सेल्फ फुलफिलिंग। हम अभी एक मिनिमम लेवल तक वो ला सकते हैं, प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट इन शॉर्ट इंटरेस्ट रेट एंड द एक्सचेंज रेट इन शॉर्ट रन। देखो अगर हमारी इंटरेस्ट रेट अच्छी है, अगर हमारी इंटरेस्ट रेट अच्छी है तो फॉरेन फॉरेन की कंपनीज या फॉरेन फॉरेन की कंट्रीज हमारे साथ ट्रेड करेगी क्योंकि अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। अभी जो हम अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं उससे आगे जाके हमें फ़ायदा होगा, राइट, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज आके हमारी कंट्री में ट्रेड करेंगी और हमारा जो है वो फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, ठीक है। शॉर्ट रन में देखिए अनदर फैक्टर डैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट मूवमेंट इज़ द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। मतलब हमारे जो हमारी कंट्री का और बाकी कंट्री का जो इंटरेस्ट रेट है उसमें क्या डिफरेंस है। अगर इंटरेस्ट रेट अच्छा है तो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उधर अप्रिसिएशन भी आएगा। हेयर इट इम्प्लिसिट अजम्पशन इज दैट नो रेस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट इन बाइंग बॉन्ड इशूड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है। इनकम एंड द एक्सचेंज रेट, जब इनकम इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर ज़्यादा स्पेंड करता है, ठीक है। अगर इनकम बढ़ेगी तो इम्पोर्टेड चीज़ पे भी लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, अगर इम्पोर्टेड चीज़ पे ज़्यादा खर्च करेंगे तो इससे हमारी डोमेस्टिक करेंसी में डेप्रिसिएशन आएगा बिकॉज हमारे प्रोड्यूस चीज़ें तो बिक ही नहीं बिकेंगे ही नहीं, ठीक है।
इफ देर इज एन इंक्रीज इन इनकम अब्रॉड एज वेल डोमेस्टिक एक्सपोर्ट विल राइज एंड सप्लाई ऑफ द फॉरन एक्सचेंज शिफ्ट आउटवर्ड. जनरली अगर हर चीज़ इक्वल है, जो कंट्री जिसकी एग्रीगेट डिमांड बहुत फास्टर ग्रो कर रही है और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसको लगता है कि वो उनको लगता है कि उनकी जो करेंसी है उस पर डेप्रिशिएट कर रही है बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट ग्रो फास्टर दैन इट्स एक्सपोर्ट एंड इट्स डिमांड कर्व ऑफ द फॉरेन करेंसी शिफ्ट फास्टर दैन द सप्लाई कर्व. ठीक है, एक्सचेंज रेट्स इन लॉन्ग रन. देखो लॉन्ग रन में जो एक्सचेंज रेट है वो किसी भी नेशनल करेंसी में रिफ्लेक्ट करता है प्राइस, उस दो कंट्री की प्राइस लेवल में क्या डिफरेंस है. अब आते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में. कभी कभार गवर्नमेंट फिक्स कर देती है एक्सचेंज रेट एट द पर्टिकुलर लेवल. अगर पर्टिकुलर लेवल पे गवर्नमेंट फिक्स कर देती है तो इतना चेंज नहीं होगा हमारी कंट्री, हमारी जो इकोनॉमी है उसमें एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन हमें देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है, अगर कंट्री, अगर गवर्नमेंट जो है वो एक्सचेंज रेट कम चार्ज करती है तो उससे तो हमारी कंट्री को लॉस फेस करना पड़ेगा, है ना, और डॉलर्स की डिमांड एक्सीड होगी क्योंकि हमारी कंट्री तो, क्योंकि हमारी जो करेंसी है वो तो कम है तो डॉलर्स की डिमांड एक्सीड होगी. ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो आगे जाके दूसरी कंपनीज आके हमारे पास ट्रेड नहीं करेंगे. ठीक है, इन अ फिक्स्ड रेट सिस्टम अगर गवर्नमेंट एक्शन लेती है कि जो एक्सचेंज रेट है उसको कम करे, जिससे हमारी डोमेस्टिक मतलब एक्सचेंज रेट ज़्यादा करे और हमारी जो कंट्री है उस हमारी जो करेंसी वो तो चीप हो जाएगी, तो डैट इज़ डिवेल्युएशन. और रिवेल्युएशन होता है जब गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट कम करके हमारी जो करेंसी है उसको ज़्यादा कर देती है, डैट इज़ रिवेल्युएशन. ओके, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड इनकम रेट ऑफ सिस्टम. तो देखो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के कुछ जो मेन फीचर्स है वो हैं कि देयर मस्ट बी अ क्रेडिटेबिलिटी डैट द गवर्नमेंट विल बी एबल टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट ऑफ लेवल स्पेसिफाइड. ठीक है, और अगर BOP में डेफिसिट है तो जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है सिस्टम उसमें कोई कुछ इंटरवेन नहीं होगा, कोई भी उस गैप का जो है वो ज़्यादा मतलब चेंज नहीं आएगा बिकॉज देयर इज़ समथिंग विच इज़ फिक्स्ड. ठीक है, उससे जो है हमारी जो गवर्नमेंट की एबिलिटी है उसमें डाउट आने शुरू हो जाता है और डिवेल्युएशन हो सकता है. ठीक है, जिससे हमारी करेंसी में जो है वो एक स्पेक्यूलेटिव अटैक आएगा और जब ऐसे अटैक देखने को मिलते हैं तो हमारी कंट्री जो है वो हमारी जो इकोनॉमी है उसको बिल्कुल कोलैप्स होने के भी हो चांसेस हो सकते हैं. अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड दे डोंट नॉट, तो उनको ना ज़्यादा स्टॉक नहीं मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी. फ्लेक्सिबल है, जिस हिसाब से वो चलेगा उस हिसाब से हम चेंजेस ला सकते हैं. ठीक है, सरप्लस है, डिफिसिट है BOP में, तो हम अकॉर्डिंगली चेंजेस ला सकते हैं. इंडिपेंडेंस इन कंडक्टिंग द मॉनेटरी फंड सिंस दे डू नॉट हैव द इंटरवीन टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट विच आर ऑटोमेटिकली टेकन बाय द गवर्नमेंट. अब आते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग में. अगर कोई फॉर्मल इंटरनेशनल एग्रीमेंट नहीं है द वर्ल्ड हैज़ टू मूव ऑन वट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द मैनेज्ड फ्लोटिंग. अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट है तो मैनेज्ड फ्लोटिंग होगी एक्सचेंज रेट सिस्टम की. ठीक है, जिसमें जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसका और जो फिक्स्ड रेट सिस्टम है इसका इट इज़ अ काइंड ऑफ मिक्सचर. ठीक है, इसी सिस्टम में डर्टी फ्लोटिंग भी होती है जिसमें सेंट्रल बैंक इंटरवेन टू बाय द सेल फॉरेन करेंसीज इन एन अटेम्प्ट टू मॉडरेट द एक्सचेंज रेट मूवमेंट वेन एवर दे फील सच एक्शंस आर अप्रोप्रिएट. ठीक है, सो यस, दैट इज इट फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर एज वेल एंड द क्लास and the economics is finally finished. So yes, thank you very much. I hope you like it. So yes.